गंजापन मेल में ही क्यों पाया जाता है? त्वचा है ये, अगर इसमें बहुत ज्यादा छाप जाएंगे तो इनके जो जड़ है ढक्कन को बंद कर देंगे, धीरे धीरे उसे पोषण मिलना बंद हो जाएगा। आंवला लगाता है कोई, नींबू लगाता है कोई, कुछ कुछ लगाता है। गज होता है गंजापन, गंजापन। अभी बताइए, देखिए गंजापन में भी आता है क्या चीज, अगर शरीर का ये त्वचा है ये, अगर इसमें बहुत ज्यादा कवक छाप जाएंगे, जब कवक छाप जाएंगे तो इनके जो जड़ है बाल की उसको ढक देंगे, तो उसमें से क्या है ना, अंदर से जो भी निकलने वाला था सीबम वो निकल नहीं पाएगा, ढक्कन को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जड़ बंद हो जाएगा, और जड़ बंद हो जाएगा कवक छाप जाएंगे तो धीरे धीरे उसे पोषण मिलना बंद हो जाएगा, और जब पोषण मिलना बंद हो जाएगा तो झड़ने लगे। जैसे कोई पेड़ है उसके जड़ के पास सीमेंट ले आकर ढाल दीजिए तो हो गया काम खत्म, तो सूखिए जाएगा। अगर छोटा पेड़ है तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बड़ा पेड़ रहता है तो चबूतरा डालते हैं लोग, तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं लोग पनिया डालने के लिए, ठीक है, पूरा सीमेंट चढ़ा देते हैं तो वहाँ वही ढक देता है, तो बाल क्या होने लगता है, झड़ने लगता है। समझ में आ गया ना? तो ये सब चीज़ से कवक वक से बचते रहना चाहिए। इसलिए देखते होंगे लोग ना, कभी कभी कोई आंवला लगाता है, कोई नींबू लगाता है, कोई कुछ कुछ लगाता है, ठंडी के दिन में हो ही जाता है। हाँ, बादाम लगाता है, खाए को ना बादाम मिल रहा है तुम पे। आगे बढ़े, कवक द्वारा होने वाला बीमारी समझ में आ गया कि नहीं? हेमंत लोढ़ा सर, झड़ने के बाद वापस आ सकता है कि नहीं? जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि झड़ने के बाद अगर खत्म हुआ था जड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाल अगर निकलना रुक गया तो कवक वहीं नहीं ना रुकेंगे, उस छेद छेदवा जो होता है बलवा का उसको खोद के और नीचवा घुस जाएंगे। सर किसका घर है जी, अब कबाड़ देगा पूरा ले जाकर जड़, तो टकला नहीं होगा। तो टकला अगर कोई इंसान हुआ एकदम स्मूथ है तो समझिए उसका जड़ गायब है, अब ना निकलते वाला, एकदम प्लेन चमकौआ टकला, तब नहीं निकल। अच्छा खुरदुरा है तब समझिएगा जड़ अभी बचा हुआ, एकदम चमकौआ हो गया तो उसका कवक ने पूरा इलाज कर दिया, अब बेचारे का कोई इलाज नहीं है, तब कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है सरकारी नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं? सरकारी नौकरी हो गया, हाँ तब ठीक है। हम हर बीमारी की इलाज आपके, आप और लड़की लोगों के टेंशन का जड़ सरकारी नौकरी वाला, टकला भी रहेगा, आपका नौकरी नहीं हुआ तो खूब बढ़िया से आप बाल झाड़ते रहिएगा, वो टकला रहेगा। तैयार हो? तो क्या कहिए गुजिया के, अपने तो टकला है बाल झाड़ना नहीं है, आप सरकारी नौकरी हो गया ना, तो इतना अच्छा कस्बा था। अच्छा बहुत दिक्कत होगा लड़की लोग को, इसलिए अभी समय है, पढ़ लीजिए, कल पछताने से अच्छा है आज मेहनत करिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कवक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो लड़का का नाम आकाश है, घुसिया रहा है। तुम भी है? कोई बात नहीं, तुम उसके बारात में कुर्सी सीधा करना। ललका कुर्सिया बारात वाला सीधा करिए, पानी चलाना। गंजापन मेल में ही क्यों पाया जाता है? महिलाएं बाल का बहुत ज्यादा केयर करती हैं, गंजा होने से पहले पूरा व्यवस्था की रहती है। आदमी बाल का ध्यान क्या रखता है, एगो हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है उसका। महिला सब का 10 गो होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है, एगो अजीब टाइप का खौरा जाती है जैसे। उन लोग का ज्यादा अलग अलग बहुत केयर कर, महिलाओं को बाल का केयर ज्यादा करना होता होगा। कोरोना में हम लोग का बाल बढ़ गया था, काटने को नहीं मिला, दिमागे काम नहीं कर रहा था, ये लोग का सोचिए कितना मुसीबत होगा। आप लोग नहीं कटवाए होंगे कोरोना में, जब लॉकडाउन लगा था पहला, दिमाग काम कर रहा था। लड़की में गंजापन नहीं होता, खराब लगने लगेगा ना, पहले से ध्यान देने लगती है, और लड़का सब में ध्यान नहीं देता, ये रियलिटी है। आधा झड़ जाएगा ना तब उसको पता चलेगा, दोस्त कहेगा बलवा झड़ तोरे तो, तब तक निकल चुका रहेगा यहाँ पे। महिला सब में बाल का होना जरूरी है, डॉक्टर से मिलिए, रोकने का उपाय।